होय। सो फाइनली गणेश उत्सव आ चुका है और इस फेस्टिवल में आपको जगह जगह पर गणपति देखने को मिल जाते हैं और गणपतियों में नाम लालबाग के राजा का ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही इतने मोस्ट फेमस जिनके दर्शन के लिए छोटे से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इनका आशीर्वाद ही ऐसा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम भी जाएंगे लालबाग के राजा के दर्शन के लिए और जानेंगे वहाँ की पूरी प्रोसेस और जानेंगे लालबाग के हिस्ट्री के बारे में, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहले जानते हैं कि लालबाग तक कैसे पहुंचा जाए। तो लालबाग तक पहुंचने के लिए आप जिस भी लोकेशन पे रहते हो वहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से सबसे पहले आपको चिंचपोकली रेलवे स्टेशन पे आना होगा। चिंचपोकली के साथ साथ आप लोग बायकल्ला, लोअर परेल, करी रोड से भी आ सकते हो, बट चिंचपोकली लालबाग को विजिट करने का सबसे ज्यादा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। जैसे ही आप लोग चिंचपोकली रेलवे स्टेशन पे उतरोगे ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 100 में से 50% पब्लिक लालबाग के दर्शन के लिए देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप लोग इनके भी साथ जा सकते हो, नहीं तो आपको एकदम बैक साइड में आना है और यहाँ आके फ्लाईओवर को यूज करके ऊपर जाना है। ऊपर यहाँ से आपको एकदम वेल मार्क रूट देखने को मिल जाएगा लालबाग तक पहुँचने के लिए। ऊपर आने के बाद आपको ये हाईवे देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको छोटी छोटी मार्किंग देखने को मिल जाएगी, तो सिंपली इसे फॉलो करते हुए आपको आगे तक जाना होता है। मैं आपको बता दूँ तो चिंचपोकली स्टेशन से ना ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट का रास्ता है लालबाग के दर्शन के लाइन तक पहुँचने के लिए। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं लाइन तक और करते हैं बप्पा के दर्शन। जैसे ही आप लोग थोड़ा और आगे आओगे आपको यहाँ पे ये वाला रास्ता देखने को मिल जाएगा और ठीक इस रास्ते के राइट हैंड साइड में आपको लालबाग का डेकोरेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये रोड क्रॉस करके दूसरे साइड जाना होता है। जैसे ही आप लोग दूसरे साइड में आओगे आपको यहाँ पे लालबाग के 2-3 गेट्स देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको इन गेट्स को फॉलो करते हुए एकदम आगे तक जाना है। ऑलमोस्ट 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको फाइनली ये वाला बैनर देखने को मिल जाएगा और ऑलमोस्ट 2 कदम आगे जाने पे आपको इसकी लाइन भी दिख जाएगी। सो फाइनली हम लोग लालबाग के राजा के दर्शन के लाइन में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके ये लाइन आगे बढ़ती रहती है और ये लाइन खत्म होने के बाद आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराए जाते हैं। इस लाइन में आपको ऑलमोस्ट 3 घंटा, 4 घंटा या कभी कभी 5 घंटा भी लग सकता है, बट जो सुकून आपको इस लाइन को खत्म होने के बाद देखने को मिलता है वो शायद ही आप लोगों ने कहीं और देखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इनकी दर्शन की ओर और देखते हैं यहाँ के नजारे। चलिए दर्शन करते करते मैं आपको बाप्पा के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। लालबाग के राजा को मराठी में नवसाचा गणपति कहते हैं, जिसका मतलब है मन्नतों के गणपति। लालबाग के राजा का दरबार ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। तब मुंबई के लालबाग में छत और रोटी की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों ने अपनी मुराद पूरी करने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करना शुरू किया और देखते ही देखते इस पूजा ने परंपरा का रूप धारण कर लिया। जैसे ही इन मजदूरों की मुराद पूरी हुई वैसे ही लालबाग के गणपति का डंका बजना शुरू हो गया और तब से लेके अब तक इन्हें मन्नतों के गणपति कहा जाता है।
मुंबई में लालबाग के राजा ने अपने कदम 1934 में रखा। मुंबई के साथ पूरे दिलों पर राज करने वाले गणपति उन मछुआरों की देन है जिनकी रोटी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। दरअसल उस टाइम पे दादर और परेल के इलाके में सिर्फ मिल्स चलते थे और इसमें काम करने वाले मजदूर यही के मछुआरे, दुकानदार और यही के लोकल्स थे। और उस दौर में एक ऐसा वक्त आया जब सब कुछ बंद हो चुका था और यहाँ के लोकल्स की रोजी रोटी भी रुक चुकी थी। तब कुछ लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया और वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गणपति जी की पूजा करने लग गए। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लग गए और लालबाग के राजा को बनाने के लिए यहाँ पे वो टाइम पे चंदा भी इकट्ठा होने लग गया। 2 साल बाद यहाँ के मजदूरों की मन्नतें पूरी हो गई। तब उन्होंने भगवान के प्रति अपना प्यार दिखाते हुए 12 सितंबर 1934 को भगवान गणपति जी की प्रतिमा की स्थापना की। धीरे धीरे करके लालबाग की दूर दूर तक चर्चा होने लगी और फिर क्या, मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पे इनके दर्शन के लिए विजिट करने लग गए। और तब लालबाग के गणपति को मराठी में एक नया नाम मिला जो कि लालबागचा राजा था। और सच में इनकी महिमा किसी राजा से कम नहीं है। 1934 के बाद हर साल यहाँ पर गणपति की मूर्ति की स्थापना होने लगी और तब से लेके आज तक इन मूर्तियों में एक ही कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि इन मूर्तियों को एक ही परिवार द्वारा बनाया जाता है। पिछले 8 सालों से कांबले फैमिली ही लालबाग के राजा की मूर्ति को तैयार कर रहे हैं। लालबाग के राजा के दरबार में हर साल करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है और इतना ही नहीं, बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स और यहाँ के कई सारे सेलिब्रिटीज भी हर साल अपनी मन्नत लेकर लालबाग के दर्शन के लिए आते हैं और उसी को देखते हुए आज हम भी इसी लाइन में शामिल है। लाइन में खड़े रहते रहते कब 3 घंटे निकल गए हमें पता ही नहीं चला एंड उस 3 घंटे के बाद फाइनली हमें ये मोमेंट देखने को मिला।